करो ऐश आनंद ने काटो दुख विपता के फंद ने। यो छन लक्ष्मी चंद ने गाया है इसमें ना से झूठ रती, ये कथ कली धरी चार किसी हद होरी भोले बंदड़ी। उसके पति किसके सामने बड़ाई करी। अब सजना लड़के चंद्रगुप्त को वेदी पे बिठा दिया जाता है, धर्मालकी को ले आया गया, दोनों के फेरे करवा दिए जाते हैं। ई बार तो उसने दूसरी बात की थी ना कि वो छनका निका टाइम कद आवे, वो तेरे तो छनका हो तू छनका वे, अरे इनाम के रूप में तेरे को 9 करोड़ी लाल सच्चे मोतियों का जूड़ा मिले। ये बताया फेरे संपन्न होने के बाद में लड़के चंद्रगुप्त को अंदर ले जाया गया, कहने को जवारी काटी। अब वो सारी शक्ति मजाक करने लगी। आखिर में लड़के चंद्रगुप्त की सास उसको कहने लगी कि बेटे एक क्षण कहो क्षण। इस मौके का उसको अपनी बेसब्री से इंतजार था, शर्माने का नाटक करता है। क्षण तय हकीकत में तैयार कर लिया था कि वह तेने न्यो कहना से, पर शुरू शुरू में शर्माने का नाटक किया गया। सास कहने लगी बेटे निडर होकर क्षण कहो, तेरे को इनाम दिया जाएगा। अब वो लड़का चंद्रगुप्त एक क्षण कहता, क्षण में हकीकत बता दी पर कोई समझ नहीं सका। क्षण पकिया क्षण पकिया दो हाथ क्षण का, क्षण पकिया दो हाथ क्षण का, मैं चलता मेहमान बटे उड़ाई दिन का। हकीकत बता दी उड़ाई दिन का बटे तो कोई समझ नहीं सका। क्षण कहने के वेज में सास ने 9 करोड़ी लाल सच्चे मोतियों का जूड़ा दिया। वो चीज मिलते मौके की ताक में के को डाना तेने मौका मिले तू आने ते फरार हो गए। ही मौका लगा के वो लड़का चंद्रगुप्त गायब हो जाता है। और जब विदा का टाइम आया तो उस टाइम पाटड़े पे उस कुरूप दूल्हे को लाके बिठा दिया जाता है। पंचायत ने कुरूप दूल्हा देखा, आपस में बातें करते के भाई सेठ की गले धोखा कर दिया, फेरे किसी और के साथ में दिलवा दिए। अरबा बेदा का टेम पर और आ गया। आहिस्ता आहिस्ता ये बात सारे नगर में फैल जाती है। और जब धर्मालकी के कानों में बात गई तो ये बता सजनो एकदम वानसा मर गया उसका दे। सारा हार श्रृंगार उतार के बोली उस पंचायत में मैं जाऊंगी। उसकी मां मना करती कि बेटी ना ऐसा मत करो बेइज्जती हो जाएगी। नहीं मां अब मेरे पास में बचाई क्या है। अब वो धर्माल की उस पंचायत के अंदर जाकर और जो पंचायत बैठी थी उन तन बोली न्यू करो इनकी गेलिया, इनने तो हमारी गेलिया न्यू कर दी और थामिस की गेलिया न्यू करो। कैसे क्या कहते हैं बोलिए चोरे कलरी फूट लिया जो था भंडा थरे भर सका।
का दोनों बिलाई कैसा काम शर्म का जैसा इन्होंने किया उसका फल तो न दो। मैंने क्या कसूर किया था जो इन्होंने मेरे साथ में इतनी बड़ी दगा करी। पहले नंबर पर कैसे क्या कहती है डाले प्यानात डाले प्यानात मूल रहना जो कर्मा का पासा से कहो सेठ के चल जा और इब क्या की आशा से लोगो प्याते हो सब नर बनिया और झूठा रासा से हेरे शंगल दीप में ठहरे ते इब टुकड़े की सासा से शंगल दीप में एक वक्त का खा लिया प्रेम एक वक्त कोरा थारे करम का फिर धक्के दिए ता धोने इब कैसे काम शर्म का थोड़े करे दुनिया रुबटा थारे भरम का धक्के दिए ता धोने इब कैसे काम शर्म का थोड़े करे दुनिया ला 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 शर्मा जी 100-100 रुपए से और मान सम्मान करते बहुत बहुत धन्यवाद। निवरी ने जो क्रम किया है जो बिल्कुल घटिया किस्म के नीच किस्म के इंसान होते हैं वो आदमी वो ये काम करते हैं। अन्य ना मानियो कहीं ने ऊपर वाले के दरबार में कोई जगह मिलेगी गारंटी दो हो इन्हें नरक मिलेगा। कैसे नंबर तीन पे
शेठ जानी के करी रे रसोई करी के सत पकवान ब्याह शादी हो ढोल के डंके इस समय भी बेईमानी धोखा कर के हाथ डाल दिया शेठ की इज्जत का मर्याद कर दिया ना सदा के बेटी शांति कर शांति सबर कर ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं निबोली नहीं मैं भी शांति करूं। आपने एक बात पे गौर करनी चाहिए माता पिता जब अपनी बेटी का हाथ किसी गैर के हाथ में देते हैं आत्मा तो एक के बार दिया करे आपका दूसरी जगह देना पड़ जावे कोई अनहोनी घटती है जब देते हैं। और आपने तो मेरे को इतना ज्ञान सिखाया पाठ पढ़ाया और मैं ये बात नहीं दोहरा सकती मैं कोई गलती करती हूं कैसे नंबर चार पे दादा ने क्या रहा? देखे मात प्यता मात प्यता बेटी का संकुल एक बार करे से इसी करते दुनिया के चोर जार करे से हर एक बनड़ी के तो बनड़े यो कोड त्योहार करे कहे लक्ष्मी चंदे धर्म की चर्चा ये सब नर नार करे लक्ष्मी चंदे धर्म की चर्चा सब नर नार करे हर मरती बरिया ते लाना उठे मरती बरिया ते लाना उठे सयातम दे चरम का ताके दे दादो ने